दूसरे चरण में के प्रचार का काम आज अंतिम में अंत हो रहा है, इसका समाप्ति की ओर है। और इस बीच कई लोग बखला गए हैं अपनी हार को सुनिश्चित देखकर, खास करके नीतीश कुमार जी अपना आपा खो बैठे हैं। मतदाताओं को भी इतना गुस्सा में कभी कभी संबोधित करते हैं, उनसे बात करते हैं कि लगता है कि अब समझ गए हैं नीतीश जी कि जनता इस बार उनको बकसने वाली नहीं है। और इसी बीच उनके लोगों की ओर से, सत्ताधारी दल के लोगों की ओर से हिंसक कार्रवाई भी शुरू हो गई है। हमारे उम्मीदवार हैं पूर्णिया और धमदाहा के, पूर्णिया जिला में दो जगह चुनाव लड़ रहे हैं। धमदाहा के उम्मीदवार कल रात में प्रचार के काम से लौटकर पूर्णिया शहर में उनका घर है, घर पर पहुंच रहे थे, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, गोली चली, सौभाग्य से बच गए। गोली हम भी देख रहे हैं भाई, उनके घर के गेट को छेदती हुई और के लिए जनता के लिए चुनाव के मैदान में होता है, वह बात उनको रास नहीं आई। हमारे उम्मीदवार के होने से जो सिटिंग लोग हैं उनको खतरा है कि अब लोग जीते या हम हारेंगे, उनकी ओर से ऐसी कार्रवाई की गई है। मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री तो अभी 10 तारीख या उसके 2-4 दिन बाद तक नीतीश जी हैं, उनसे भी और खासकर इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि उनके हाथ में अभी ताकत है। मैं जो घटना हुई है, हमारे उम्मीदवार को टारगेट किया गया है, इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और हर जगह हमारे उम्मीदवारों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। हम लोग भी यात्रा करते हैं, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, कहीं सुरक्षा का प्रबंध एकाध जगह छोड़कर कहीं भी नहीं दिखता है। कई जगह हमारे हेलीकॉप्टरों को इस तरह से घेर लिया था कुछ लोगों ने, समस्तीपुर के भगवान में कोई एक भी डंडा वाला भी कोई सिपाही पुलिस वहां नहीं था, तो किसी तरह से हेलीकॉप्टर बच सका, तो सुरक्षा का कहीं प्रबंध नहीं है। इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। दूसरी चीज, समाज के जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं चुनाव के समय खासकर, उनको की अपेक्षा नारा भी लोग देते हैं, सबका साथ सबका विकास, एनडीए का नारा है सबका साथ सबका विकास। नीतीश जी भी कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। राष्ट्रीय जनता दल भी दलितों अति पिछड़ों गरीब लोगों सबकी बात करते हैं लोग, और पहले जब सरकार में रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी, तो समाज के सभी वर्ग के लोगों ने उनको वोट दिया है, ताकत दी है, लेकिन उनके वोट का इस्तेमाल अपने लिए किया उन लोगों ने हमेशा, सत्ता में भागीदारी उनको नहीं दी है। अभी भी कल भी बयान हमने देखा तेजस्वी यादव का, वो कह रहे हैं कि हम समाज के सभी वर्ग को हिस्सेदारी देंगे, साथ में चलेंगे। तो कहने भर के लिए है लेकिन करने के लिए नहीं है। पहले सरकार में रहे हैं कभी हिस्सेदारी नहीं थी, कहा सब लोगों ने, नीतीश जी या राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने, जिनकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, कहकर भेंट लिया लेकिन हिस्सेदारी नहीं दी। हमने तय किया है कि हम कोई ताकत मिलेगी सत्ता में आएंगे तो हम 4 डिप्टी CM बनाएंगे, 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, एक दलित समाज से, एक अति पिछड़ा समाज से, एक अकलित जमात से और एक
अगली जात थे, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके साथ भी उन्होंने न्याय नहीं किया, उनसे भी एक डिप्टी सीएम बनाएंगे, चार उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, अभी उन्होंने एक महिला अनिवार्य रूप से होगी, तो महिलाओं को भी हिस्सेदारी सम्मान हम देंगे, समाज के सभी वर्ग के लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी के लिए हमने यह तय किया है। अगर हर इन लोगों ने हिम्मत बहुत हृदय से बनते हैं दलितों अति पिछड़ा भाइयों अल्पसंख्यक भाइयों को ये बताएं सत्ता में आएंगे तो अब तक क्यों नहीं किया, नीतीश जी ने मुख्यमंत्री बनाया अभी नहीं क्योंकि कुर्सी भारतीय जनता पार्टी के बिना नहीं चल सकती थी, उनकी राष्ट्रीय जनता दल के दबाव में राष्ट्रीय जनता दल के नेता को बनाया क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल नहीं शेयर देते तो कुर्सी उनकी नहीं रहती, तो पार्टियों को दे दिया है उन्होंने, लेकिन जिनका वोट लिया अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उनको न तो उन्होंने दिया न उन्होंने दिया, तो हमें चुनौती हमारी उनका राय नहीं तो बताएंगे हिस्सेदारी देने की बात सिर्फ मुंह से करेंगे या वास्तव में करने का इरादा है, हम जो कर सकते हैं हमने कहा ताकत मिलेगी गारंटी के साथ करेंगे, तो चुनाव का समय है ये बताएं, अगर उनको ताकत मिलती है तो क्या करेंगे वो मालूम बात है, तो इस बार उनको ताकत मिलनी ही नहीं है, जनता उनको नकार चुकी है देख चुकी है, इसलिए वर्णन किए नहीं जा सकती। दूसरा अभी जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं खासकर मुसलमान भाई नीतीश कुमार जी भी अभी कल परसों चादर फोसी करने गए थे, वोट चाहे तो दिखावा जरूरी है, राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी वाई समीकरण की बात करते हैं लेकिन वाई को 75 सीट देते हैं और उनके भूल जाते हैं, और अभी राष्ट्रीय जनता दल के लोग और कांग्रेस के लोग तीनों दावा करते हैं हमको मुसलमान भाइयों का वोट मिलेगा वोट चाहिए, लेकिन जो मुसलमान भाई हैं अपने घटना घटी वहां एक कार्टूनिस्ट है चार्ली हेब्दो, अभी दो चार दिन पहले की घटना है, चार्ली हेब्दो उन्होंने कार्टून बनाया साहब को अपमानित करते हुए कार्टून है, पैगंबर साहब को अपमानित करते हुए कार्टून को बनाए और फ्रांस के राष्ट्रपति उसके पक्ष में खड़ा हो गए, यह बात ठीक है कि संगठन के लोगों ने हमला किया बाद में, हमला गलत आतंकवादी संगठन या किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ आतंकवाद हो या किसी तरह का आतंकवाद या गलत है और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ अगर फ्रांस के राष्ट्रपति खड़े हैं तो यह अच्छी बात है, लेकिन जिस कार्टूनिस्ट ने पैगंबर साहब को अपमानित करते हुए कार्टून बनाया उसके साथ भी फ्रांस के राष्ट्रपति खड़े हैं और उसके साथ खड़े हैं फ्रांस के राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री जी भी उनका साथ दे रहे हैं, इस्लामिक आतंकवाद या किसी आतंकवाद का विरोध करना उसमें साथ देना ठीक है, लेकिन किसी धार्मिक मान्यता के खिलाफ या किसी खिलाफ अभद्रता करे उसके साथ खड़ा या तो बनते गलत है, फ्रांस के राष्ट्रपति भी खड़े हैं हमारी सरकार भी खड़ी है और ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी के लोग चुप है, राष्ट्रीय जनता दल के लोग चुप है, नीतीश कुमार भी चुप है, सिर्फ वोट चाहिए उनको, कहते हैं कि हम धर्म निरपेक्ष ताके सिद्धांत को मानते हैं, धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत को मानते हैं तो इन लोगों को आवाज बुलंद करना चाहिए, एक बार घटना हुई थी हिंदुस्तान में भी, एक बार यहाँ के एक बड़े चित्रकार ने हिंदू धर्म से संबंधित देवी देवताओं का चित्र बना दिया था, उस समय आरजेडी और कांग्रेस का शासन देश में चल रहा था, उनको देश से बाहर किया गया, जाना पड़ा उनको, देश वापस नहीं लौट पाए, फिर वही उनका देहांत हो गया, किसी भी धर्म की मान्यता के खिलाफ या आस्था के खिलाफ कोई करे
तो उसका भी विरोध होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लोग, आप जो भी के लोग और नीतीश कुमार जी, उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। जो हुआ है फ्रांस में, लोग चुप क्यों है? सिर्फ निर्दोषता की बात करेंगे वोट लेने के लिए? हमारा मानना है, हमारा कहना है, भारत सरकार से हमारी मांग है कि भारत की सरकार कानून बनाए अपने देश में कि किसी भी धर्म की जो मान्यता है उसके खिलाफ कोई बात करेगा, कोई उसके खिलाफ काम करेगा तो उसकी जगह जेल में होगी। इसके लिए कानून बनाना चाहिए भारत की सरकार को अभियान, और नीतीश कुमार जी को विशेष रूप से इस बात को लेकर एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कानून बनाए भारत की सरकार, कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल को मुंह खोलना चाहिए। हमने तय किया है, हम यहां मांग करते हैं भारत की सरकार से कि कानून बनाए भारत की सरकार। हम यही बिहार के बारे में कहना चाहते हैं कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो हम कानून बनाएंगे बिहार में कि किसी भी धर्म की मान्यता के खिलाफ, आस्था के खिलाफ कोई भी काम करेगा, उस पर हमला करेगा तो हम उसको जेल भेजने के लिए कानून बनाएंगे। बिहार में हम कानून बनाएंगे और भारत सरकार को देश भर के लिए कानून बनाना चाहिए। और अभी जो एक असुरक्षा का भाव मुसलमान भाइयों के अंदर चला गया है फ्रांस की घटना के बाद, क्योंकि घटना वहां हुई और भारत की सरकार, फ्रांस के राष्ट्रपति जिन्होंने समर्थन किया उसके साथ भारत की सरकार खड़ी है। आज जब भी कांग्रेस के लोग चुप है, उनमें तो सिर्फ वोट चाहिए, उनके हितों की रक्षा करने की कभी जरूरत पड़े तो नहीं करेंगे। इसके पीछे भी कारण, भारतीय जनता पार्टी तो अपना एजेंडा चलाती है और उस एजेंडा में नीतीश कुमार जी हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल के लोग नतमस्तक है उनके साथ, अंदर अंदर डरे हुए हैं वो, क्योंकि घोटाला में बचना है, सृजन घोटाला से भी बचना है और जेल में नाम, केस में नाम है पूरे परिवार का, तो जेल जाने से भी बचना है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग अभी के चुनाव में जनता का वोट इसलिए नहीं मांग लेना चाह रहे हैं कि हम सरकार बनाकर जनता का कोई हित करें, उनको जेल जाने से बचना है। राष्ट्रीय जनता दल के युवराज को जेल जाने से बचना है और अपने पिताजी को जेल से बाहर करना है, इसलिए लोग वोट मांग रहे हैं। जनता का हित इनकी नजर में नहीं है। तो बिहार के लोग जेल जाने से बचने के लिए, जेल से बाहर निकलने के लिए वोट नहीं करेंगे। लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए वोट करेंगे और यही बिहार के लोगों से मेरा आग्रह भी है। और जिनको जेल जाने से बचना है, डर रहे हैं या जेल से बाहर निकलना है, वैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के सरेंडर कुशवाहा किसी भी ताकत के साथ सरेंडर नहीं कर सकता है। हिम्मत है तो उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाए, ईंट का जवाब उपेंद्र कुशवाहा ऐसे मामले में पत्थर से देने का काम करेगा, लेकिन समाज के सभी वर्ग के हितों की रक्षा हम आगे बढ़कर करेंगे। मुसलमान भाइयों के खिलाफ भी कहीं दुनिया में आबाद, देश में आबाद, दलित भाई हो, अति पिछड़ा भाई हो या समाज के किसी वर्ग के लोग हो, उनके साथ अन्याय कभी नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा साथ खड़ा था, साथ खड़ा है और साथ रहेगा। और इन्हीं कारणों से जो हमने पहले किया है, समय समय पर लोग हमारे साथ आकर्षित है, व्यापक समर्थन हमको मिल रहा है। जो प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो चुका है या आगे होने वाला है, इसमें हम बहुत ही अच्छी स्थिति में है रहेंगे। हमने कहा है कि नया बिहार बनाने के लिए हमारा नया विकल्प है, अच्छी सरकार बनाएंगे और बिहार के लोगों को नया बिहार बनाकर हम देंगे। यही आज सूचना जानकारी थी। आपको सवाल करने क्या करना चाह रहे हैं? बिल्कुल डील है दोनों के बीच में। डील अगर नहीं होता तो जो हमने कहा इसकी भी जांच कर लेंगे। साथ ही साथ किस आधार पे गरज कर मंच से तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं 9 तारीख को बेल हो ही जाएगा लालू जी का, कैसे बोल रहे? कोई भी व्यक्ति कैसे बोल सकता है कि 9 तारीख को बेल हो ही जाएगा?
बोल देना न देना कोर्ट का मामला है, लेकिन कोई आदमी अगर बिल्कुल विश्वास के साथ बोल रहा है इसका मतलब मालूम है, और मालूम कैसे है तो हम जो आरोप लगा रहे हैं दिल का, हमारा आरोप उससे प्रमाणित होता है। और इतना ही नहीं, दूसरी तरफ देखिए दिल का जो दूसरा पक्ष है भारतीय जनता पार्टी, भारत के कानून मंत्री हैं रविशंकर, बिहार में ही है चुनाव प्रचार में, तो इसमें क्या बोल रहे हैं उनको भी खबर हो रही है। कोर्ट के बारे में कोई कह रहा है कि कोर्ट बेल दे ही देगा, हम उनको बताना चाहिए कानून मंत्री है कोर्ट बेल दे ही देगा, बाहर के आदमी को कैसे पहले पता हो गया, कानून मंत्री को भी सफाई देना चाहिए, उनको भी बोलना चाहिए कैसे पता हो गया कि बेल मिल ही जाएगा। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं अंदर मामला है, जो मेरा आरोप है वह स्वतः प्रमाणित है, इन बातों से आप भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो कोर्ट जो है पार्टी से प्रभावित हो रहा है, बातों को मानता है कोर्ट? हमने कहा कि नहीं मान रहा है तो कैसे कोई कहेगा कि एक दूसरा लॉ मिनिस्टर चुप क्यों है, उनको जवाब देना चाहिए ना। तो तीसरा कि आप देख सकते हैं साल भर पहले तक परिवार के दूसरे लोगों की संपत्ति, कभी अटैच, कभी वहां जांच, कभी वहां छापामारी, साल भर के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद कुछ दिन के बाद कोई ऐसी घटना हो रही है क्या? कहां चला गया सबका सब मामला, कहां चला गया? कोई हम इस बात का जवाब दे, सीधा है कि जो कुछ भी राहत इनको मिल रही है या आगे मिलने वाली है इसका बिल पक्का है, और भारतीय जनता पार्टी इस डील में राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, और इस डील का एक और जो आगे निकलने वाला है नीतीश माइनस करे, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी मिलकर बिहार में सरकार बनाओ, यानी इनके डील का एक हिस्सा है। देख लीजिएगा मेरी बात, 10 तारीख के बाद अगर उन लोग को थोड़ा थोड़ा मिल गया, सीट मिल गई, तो इस तरह की आशंका है जो पूरी गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं और बिल्कुल जवाबदेही के साथ हम बोल रहे हैं। जीतने के बाद आप कहाँ जाइए? जितने बड़ा हम सरकार चलाएंगे बिहार में, स्कूल में शिक्षा लाएंगे, स्वास्थ्य लाएंगे, रोजगार लाएंगे, और कहाँ? मुरजेवाला जी ने ये कहा है कि ओवैसी मायावती बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं वो भाजपा की सी टीम है, यानी आप भाजपा की सी टीम, आप पर भी आरोप है कि आप भाजपा की सी टीम है। जो भाजपा के सीटी में आएगा ग्रंथ कर नहीं बोलेगा, ये कांग्रेस पार्टी बच्चा बच्चा जानता है बिहार में कि राष्ट्रीय जनता दल की पिछड़कू है, राष्ट्रीय जनता दल की पिछड़कू है, अपना कोई अस्तित्व कांग्रेस पार्टी का बिहार में है ही नहीं। चुनाव होने से कुछ दिन पहले यादव को कांग्रेस के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बार बार बोलते थे लोग हमने तय नहीं किया है, कब तय हो गया इनका गठबंधन में, कब घोषणा होगी मुख्यमंत्री? आरजेडी के लोग बोल रहे थे, कांग्रेस तो कभी नहीं बोल रही थी, लेकिन कांग्रेस में अचानक क्यों उनकी बात को घोषणा नहीं, मिलकर लोगों ने कोई बैठक नहीं की, मिलकर कोई बात नहीं हुई, मिलकर कोई घोषणा नहीं हुई, चुनाव के मैदान में तेजस्वी जिंदाबाद कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी खुद ही पिछलग्गू बनकर बिहार में लग गई है, यही कारण है कि कांग्रेस का जो अपना पुराना था बेस वोट आज कोई नहीं है उनके साथ। अच्छा एक सवाल है कि अगर बसपा का भाजपा से गठबंधन होता है यूपी में तो क्या बसपा से अलग हो जाएंगे? यार राज्य की बात आप याद कीजिए, नीतीश कुमार जी भी बीजेपी के खिलाफ कभी उत्तर प्रदेश में, कभी दिल्ली में चुनाव लड़ चुके हैं कि नहीं लड़ चुके हैं, जब वहाँ सरकार भी चलाते रहते हैं साथ में, वहाँ अलग लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, तो इसलिए स्टेट वाइज गठबंधन विधानसभा के चुनाव होगा, इसलिए वहाँ क्या हो रहा है बाकी राज्य में क्या हो रहा है उससे हम कभी प्रभावित हो ही नहीं सकते, हमारा अपना इंडिपेंडेंट सोच है, उसके आधार पर किसी के साथ हम दोस्ती करते हैं, जिसके साथ सोच है तो फिर उसके बाद आप किसके साथ अलायंस कर रहे हैं? अरे भाई आप अभी साथ देने आए हैं क्या? भाई हम तो समझ रहे हैं कि आप मेरे शुभचिंतक हैं, शुभचिंतक न हो रहे तो न्यूट्रल को आप शुभचिंतक हैं तो बहुत बड़ी बात है, शुभचिंतक न हो तो न्यूट्रल नहीं हो, न्यूट्रल
घटना की जिक्र किया आपने, राष्ट्रपति से मिल गए जिक्र किया आपने, लेकिन उस विद्यार्थी ने जिस टीचर की हत्या कर दी क्या वो सही था? नहीं, इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं पर बहुत सारे मतलब चित्र वगैरह बन वो गलत है, लेकिन सर उसका कभी नहीं करते मंच पर। घटना जब होती है अभी घटना हुई बिहार सरकार ने गलत किया, बिहार सरकार की जवाबदेही जरूर कमेटी, बिहार सरकार उसके लिए जिम्मेवार है, हमने कहा है उसके लिए, उनको कहा है। देखिए वही भी हमने कहा कि इस्लामिक आतंकवाद का भी हम नाम ले रहे, उनका नाम ले रहे, किसी तरह का आतंकवाद है वह गलत है, और कोई आतंकवादी हमला अगर वहाँ हुआ उस घटना के बाद फ्रांस बनाने के बाद तो उस घटना की हम निंदा करते हैं, गलत है, लेकिन जिसने कार्टून बनाकर पैगंबर साहब को अपमानित किया उसको कैसे हम जाए छा रहे हैं, वो तो गलत है ना। नरेंद्र मोदी जाए छा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जाए छा रहा है, हाँ नरेंद्र मोदी ही जाए छा रहा है, सरकार उनके साथ भारत की सरकार उनके साथ खड़ी हो गई, और उसमें छुपा है नीतीश कुमार जी कांग्रेस और आरजेडी को हमला कर पैगंबर साहब को अपमानित करने की कोई घटना हो, अब उसके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े हैं और दूसरी ओर कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक हमारे साथ है, नीतीश कुमार जी चुप है, कांग्रेस के लोग चुप है, आरजेडी के लोग चुप है, रमेश कुशवाहा नाम है जो उम्मीदवार है हमारे धंधा से, उनके ऊपर बोलिए। अच्छा एक अंतिम सवाल, सब लोग अपनी हवा की बात कर रहे थे, जैसे कह रहे हैं कि लहर बह रही है, बीजेपी भी वही कह रही है, लहर से तो आदमी जलने लगता है, लहर में हवा है जो ठंडा उनको देता है, ठंडा लोग महसूस कर रहे हैं, उनके लहर वहर का कोई मतलब नहीं है, धरती पर कहीं नहीं लोग हैं, धरती पर होते 15 साल में लोग चाहते तो जड़ जमा लिए होते नीचे, तब जड़ उठा चुका है।